हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज में। मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूलों के लिए छोटे बच्चों से 12वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर अभी अभी आई है दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है दोस्तों, बड़ी खबर है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल खुल गए। अगले चरण में 6वीं से 8वीं और 1वीं से 5वीं तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल खोलने की तैयारी है। सोमवार को COVID-19 प्रबंधन के लिए बनी टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे आदेश दे दिए हैं। इसके बाद सरकार ने पहले 23 अगस्त से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को इसके लिए डिटेल गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा गया है। 5 महीने बाद सोमवार से उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। 50% की क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। लखनऊ में टीचर ने स्कूल स्टूडेंट का चंदन लगाकर स्वागत किया। आगरा में बच्चों के लिए तालियां बजाई गई। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग हुई। स्टूडेंट के हाथ सैनिटाइजर कराए गए। सभी को मास्क पहनने के लिए पहले से आदेश दे दिए गए थे। कोविड के चलते अभी तक स्कूल संचालकों ने बस सर्विस नहीं की है। स्टूडेंट अपने पेरेंट के साथ या खुद साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल स्टूडेंट काफी खुश नजर आए। कई स्कूलों में 2-2 शिफ्ट की पढ़ाई होगी, जबकि कुछ स्कूलों में इससे इनकार कर दिया गया है। पहली शिफ्ट 8 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 12:30 से 4:30 बजे तक चलेगी। इससे पहले 1 मार्च से ही स्कूल खोले गए थे। हालांकि COVID-19 की दूसरी लहर के चलते 18 मार्च को ही सारे स्कूल बंद करने पड़े थे। अब तीसरी लहर की आशंका के बीच फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आदेश पर हर शिफ्ट में केवल 50% स्टूडेंट को ही स्कूल आने की अनुमति होगी। कॉलेज में हैंड वॉश सैनिटाइजर का इंतजाम स्कूल प्रशासन को करना होगा। एंट्री गेट पर स्टूडेंट स्टाफ टीचर की थर्मल स्क्रीन होगी। पल्स ऑक्सीमीटर से ही जांच की जाएगी। सभी शिक्षक कर्मचारी और स्टूडेंट को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बगैर लक्षण वाले स्टूडेंट को स्टाफ को ही स्कूल आने की अनुमति होगी। धन्यवाद दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।